शहर के कलाकारों ने लॉकडाउन के चलते उन पर आ रही भूखमरी को लेकर शहर के कलाकारों ने कोरोना के दो गाने गाकर प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे इनकी स्पेशल रिपोर्ट, कलाकार हुए बेरोजगार में, आइए देखते हैं। नागपुर में लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन लगाने से सभी कारोबार, छोटे बड़े व्यवसायिक और उनका बिजनेस चौपट हो रहा है, तो वही शहर के कई कलाकार बेरोजगार हुए हैं। उन पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। कोरोना से बेरोजगारी का ग्राफ भी बढ़ रहा है। ऐसे में जिए तो जिए कैसे, यह प्रश्न कलाकारों को सता रहा है। कलाकारों को रोजगार मिले इसलिए कलाकारों ने कोरोना के दो गाने गाकर सरकार और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे इनकी ये रिपोर्ट, आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसन की टीम ऐसे कलाकारों के साथ में है जो कलाकार पिछले कई वर्षों से कामकाज करते हुए इस शहर के नागरिकों का पूरी तरह से मनोरंजन एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। मगर अफसोस कि आए दिन जब से वुहान से इस कोरोना ने सबको झकझोर के रख दिया है, कोरोना इस महामारी ने सबके कामकाज को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसके चलते ये तमाम कलाकार भी अछूते नहीं रहे। इनके कामकाज पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते इन तमाम कलाकारों के ऊपर में भूखमरी की नौबत आ पड़ी है। दाने दाने के लिए वे लोग मोहताज है। आखिरकार सरकार और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ये लोग गाने के माध्यम से पूरी तरह से उन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। और इसी के साथ में इन्होंने जो इतनी शक्ति हमें दे न दाता, इस गाने के जो लिरिक्स है उसको चेंज किए और सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और भी ये सरकार से कुछ इस गाने के माध्यम से दरख्वास्त करना चाहते हैं। आखिरकार क्या करना चाहते हैं, ये दरख्वास्त आइए सुनते हैं गाने के उन तमाम कलाकारों की जुबानी।
संदेश आते हैं हमें तर पाते हैं, इस जो गाना बना है इसके लिरिक्स चेंज किए गए और सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए गए हैं। अब हम उन तमाम कलाकारों के पास जा रहे हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार प्रशासन को नींद से जागने के लिए या कोरोना इस महामारी से दो हाथ करने के लिए या कलाकारों के ऊपर में जो भूखमरी की नौबत आ पड़ी है उससे कैसे निजात पा सकते हैं। इस समय में हमारे साथ कुछ कलाकार हैं। सर आप बताइए क्या कहना चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से हमारा एक ही अनुरोध है कि अब ये एक या दो महीने की बात नहीं है, पिछले एक साल से, पिछले मार्च से इस मार्च तक ये कलाकार अपने काम से वंचित है। घर का किराया देना, बिजली बिल भरना, बच्चों की पढ़ाई, खाने पीने के अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम कलाकारों को है। तो इन हमें सरकार से एक ही कहना है कि हमें हमारा काम करने की अनुमति, कृपया। साल भरे में सरकार ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया, अब ये थोड़ा सा बुरा समय चल रहा है, जब अच्छा समय आ जाएगा तो जल्द से जल्द हम कलाकारों को काम करने का मौका दे। आप क्या कहना चाहोगे सर? सभी कलाकार साल भर से खाली है, उन्हें काम की जरूरत है, सरकार से वो काम मांग रहे हैं। सरकार तो काम देने से रही, जब तक पूरा सोशल कल्चरल एक्टिविटी चालू नहीं होगा तब तक कलाकारों को काम नहीं मिलेगा। तो कृपया फिर से चालू करें, फिर से जो व्यवस्था है उनमें थोड़ी सी, सब जन जितने भी कलाकार हैं सब यही सोच रहे हैं कि और ये रोग ना फैले। बिल्कुल, और ये रोग ना फैले, ऐसे कुछ कलाकारों का कहना। और भी कुछ साथी कलाकार हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहोगे, आपका क्या कहना है? एक साल से जो लॉकडाउन चल रहा है इससे हम कलाकार बहुत ही त्रस्त हो चुके हैं, हमारे काम पूरे तरह से बंद है। प्रशासन से, शासन से हमारा इतना ही निवेदन है कि कुछ भी करके हमारे काम चालू करें ताकि हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके और हम हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का पालन पोषण कर सकते। किसी भी तरह से हमारे काम चालू होना चाहिए। एक साल से जो सारे काम बंद है और काफ़ी लोग ये काम करने के लिए लोन लिया हुआ है, लोन का जो लोन तो किसी भी तरह से हम भर ही रहे और उसके ऊपर जो चक्रव्याज लग रहा है वो चक्रव्याज भी माफ़ी का एक गुहार लगा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे कई सारे गोडाउन्स बंद है, उस पर जो बिजली का बिल आ रहा है, तो जब काम ही नहीं है, सब चीज़ नहीं है, तो उस पर भी हम लोग बिल कहाँ से भरें? तो उस पर भी हमें थोड़ी छूट दे, हमारे काम चालू होंगे तो हम फिर से वो चीज़ भरना चालू करेंगे। यही हमारी दरख्वास्त है। नहीं, ये नौबत तो इतनी बुरी तरह से आ गई है क्योंकि जैसे कि सभी कलाकार बोल रहे हैं कि पिछले मार्च से, यानी कि इस मार्च तक अभी पूरा एक साल हो गया है और कलाकार वाकई में बहुत ज़्यादा दुखी है और इसी वजह से कोई पॉइजन पी रहा है, कोई अपना हाथ काट ले रहा है, ऐसी कई मुसीबतें कलाकारों के ऊपर हैं। उनको बिजली का बिल भरना है, किराया देना है, जो नहीं दे पा रहे हैं और काम बंद होने की वजह से। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सारी दुनिया चल रही है,
कलाकारों को भी काम करने की कम से कम परमिशन दी जाए। बिल्कुल, प्रशासन ने परमिशन देना चाहिए ऐसा इनका मानना है, और संगीत के माध्यम से ये तमाम लोग जनजागृति करते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों के लिए सिर्फ यही कहना चाहते हैं हम बीसीएन परिवार की ओर से कि धनी सागम ग सागसानी धनी सानी धनी धम गम धम गमरे सा गम धनी सा नी सा नी सा अखिये न संग अखिये का यह सरगम था। और कलाकार जो है जो गीत जो बनाए उसको उन्होंने लिरिक्स अपने ढंग से इस कदर पेश किए कि प्रशासन इस ओर देखे और कलाकारों पे जो भूखमरी की नौबत आ पड़ी है उनके रोजगार की कुछ निर्मिति करे, उनको अच्छे कामकाज मिले। महज लॉकडाउन के चलते इन लोगों पे जो एक विकट परिस्थिति का ये लोग सामना कर रहे हैं यह बहुत बुरी बात है। इनके जैसे तमाम कलाकार हजारों की तादाद में पूरे राज्य के कलाकार प्रभावित हुए हैं। खाने को दाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, न किसी का ध्यान है, न कोई एनजीओ आता, न कोई संस्था इन्हें मदद कर रही है। और इनके ये मात्र कलाकारों की बात नहीं बल्कि शहर के ऐसे तमाम क्षेत्र के तमाम लोगों की बात है जो भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। कोरोना महामारी से तो हमें दो हाथ करना है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, 4452 का एक आंकड़ा, मृत्यु का जो मौतें हुए उनका भी काफी बड़ा आंकड़ा है जो एक चिंता का विषय। ऐसे में कोरोना से रोकथाम भी करना है, हमें महफूज भी रहना है और साथ ही साथ हमारे कामकाज भी चलते रहे, यही बात इस गाने के माध्यम से कलाकारों ने की है। अब देखना यह होगा क्या जिला प्रशासन हो, मनपा प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब हो, यह आखिर क्या इसके ऊपर में स्टैंड लेते हैं और क्या कोरोना का कार्यकाल और बढ़ेगा, लॉकडाउन का अवधि और बढ़ेगा या फिर इन लोगों के ऊपर में कुछ न्याय होगा, ये एक देखने वाली बात होंगी। क्योंकि कहते हैं कि संगीत है हर राग की, हर राग में बसे है राम, रागी को मिले रागिनी और रोगी को मिले आराम। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।